हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आप देख रहे हैं पीयूष के व्लॉग चैनल को। तो यार आज गॉगल्स इसलिए लगाए हुए हैं कि इसलिए आपको ऐसा ना लगे कि मैं आपकी तरफ देखकर भी बात नहीं कर रहा, मैं सामने देखकर बात करूंगा, क्योंकि मैं इस वक्त गाड़ी चला रहा हूँ, कैमरे की तरफ देखकर बात नहीं कर सकता, क्योंकि सड़क पर ध्यान रखना ज़्यादा जरूरी है। तो अब लेट हो गया हूँ मैं, आज सर्विस कराने के लिए जा रहा हूँ अपनी गाड़ी की। और आज वो दिन है जिस दिन फोर्ड इंडिया अपनी मैन्युफैक्चरिंग बंद कर चुकी है, उसके भी दो तीन दिन बाद हो चुके हैं आज, ठीक है ना। जब फोर्ड इंडिया ने मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी है, उसके बाद मैं जा रहा हूँ अपनी गाड़ी की 10,000 किलोमीटर वाली सर्विस कराने के लिए। अब सर्विस का एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा है वो भी मैं आज आपसे शेयर कर लूंगा, क्योंकि ये थोड़ी बड़ी सर्विस है। जो 2500 वाली सर्विस थी उसमें कुछ खास नहीं होता, उसमें तो सिर्फ ऐसे चेकिंग वगैरह हो जाती है, ये देख लेते हैं ये चीज़ सही चल रही है नहीं चल रही है, और तो कुछ नहीं, जो भी चीज़ कम होती है वो टॉपअप कर देते हैं। बाकी 10,000 वाली सर्विस में थोड़ा ऑयल वॉयल चेंज होगा, फोर्ड पास में भी बता देते हैं कि क्या क्या चीज़ के चेकअप होगा, क्या क्या चीज़ रिफिल करी जाएगी या चेंज करी जाएगी। एक तो सबसे बड़ी चीज़ वही आपका इंजन ऑयल चेंज होता है और ऑयल फिल्टर चेंज होता है, ये दो चीज़ तो होती ही होती चेंज है जो मेजर है। बाकी छोटी मोटी चीज़ अगर आपकी गाड़ी में कोई टूट फूट है तो वो भी चेंज हो जाती है, ठीक है ना। तो आज अभी मेरी गाड़ी में आपको पता भी होगा थोड़ा सा अलाइनमेंट का इशू हो जाता है, ये स्टेयरिंग ना कैलिब्रेट करवाना है मुझे, वो सब चीज़ भी कराऊंगा। और थोड़ी ट्रिप्स आने के बाद में गाड़ी की सर्विस नहीं हुई है तो गाड़ी में थोड़ी सी आवाज़ें आ रही हैं इधर उधर से, मोस्ट प्रोबेबली वो गेट के लॉक्स में से आ रही होंगी आवाज़, क्योंकि और भी मैंने वीडियोस देखी हैं या फिर पता भी चलता है जो हिंजेस होते हैं ना गेट के डोर के उसमें से आवाज़ आती है, तो उसको भी रेक्टिफाई करवाने की चेक करेंगे और चेक करेंगे कि इंजन ऑयल चेंज हो जाता है उसके बाद गाड़ी का परफॉर्मेंस कैसा हो जाता है। अब ये तो हो गई सर्विस की बात, लेकिन आज एक काम से और जा रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, फोर्ड इंडिया ने सर्विस सेंटर पर क्या इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं उसके बारे में भी हम पता करेंगे। जितने भी डाउट्स आप सब लोगों के अभी तक आ चुके हैं या फिर अभी भी आप जो पूछ रहे हैं डाउट, उन सब डाउट्स को मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा सर्विस सेंटर पर। और एक अभी कस्टमर फीडबैक भी हम लेंगे जिनके पास फोर्ड की गाड़ियां हैं उनको कैसा लगा, उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, वो भी आपको जल्दी देखने को मिल जाएगी एक दिन में प्रोबेबली। और यार अगर आज वाली वीडियो लेट हो जाए, आज का आज ना डाल पाऊं मैं, तो प्लीज़ ये मत समझिएगा कि मैंने वीडियो जानबूझ कर नहीं डाली, क्योंकि मुझे हो सकता है लेट हो जाऊँ मैं वापस आने में अभी जाते वक्त, क्योंकि मैं लेट हो चुका हूँ इस वजह से भी मैं गाड़ी चलाते चलाते वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो अब सीधा आपसे मिलते हैं सर्विस सेंटर पर। तो भाई सर्विस सेंटर पर आ गया मैं, एडवाइज़र को अपनी गाड़ी दे दी, उसके बाद अब अपनी गाड़ी वॉशिंग हो रही है। यहाँ का एरिया आप देख सकते हैं। अब ये जो मैं सर्विस सेंटर पर आया हूँ ये है पवन फोर्ड। तो वॉशिंग वगैरह तो यहाँ पर देख लिया आपने किस तरीके से किस एरिया में होती है। अब इसके बाद में अब गाड़ी को ले जा रहे हैं, ये सुखाएंगे गाड़ी को, इंजन बेस सुखाएंगे और पॉलिश वगैरह करेंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं इस वक्त ये भाई ये वायर्स आया है, इसमें से हवा निकलती है बहुत ज़्यादा तेज से, तो ये इंजन बे को सुखाने के लिए ज़्यादातर यूज़ कर लेते हैं, इसको इंजन भी सुखा देते हैं और आसपास के पार्ट्स भी सुखा देते हैं, तो इससे सब पानी उड़ जाता है। तो भाई ने अब उस सेम वायर में जिसमें से हवा निकल रही थी सुखाने के लिए, उसके साथ एक बॉटल और पकड़ ली है जिसमें से लिक्विड निकल रहा है ब्लू ब्लू सा, ये पॉलिश है बेसिकली, तो इससे इंजन पर पॉलिश कर देते हैं हर पार्ट पर और गाड़ी के ब्लैक पार्ट पर भी पॉलिश कर देते हैं। तो भाई ये वैक्यूम क्लीनर से भी इन्होंने स्टार्ट कर दिया है, अंदर से गाड़ी को वैक्यूम क्लीनर से भी स्टार्ट कर दिया साफ़ करना, जितनी भी अंदर धूल वूल होगी वो सब इससे साफ़ कर लेंगे। कई सारे लोग लगे हुए हैं इसमें, मतलब सब चीज़ करने लगते हैं एक साथ, सुखाने भी लगेंगे साफ़ भी करने लगेंगे और पॉलिश वॉलिश भी, जिससे कि जल्दी से हो जाए। मैंने एक चीज़ मेरे पे एक दूसरी गाड़ी मारुति की भी है वो पुरानी है, उसमें जब हम सर्विस कराने जाते थे सर्विस सेंटर पर, वहाँ पे वो लोग यही जिस भाई से जो भाई अभी पॉलिश कर रहा था ना हवा से जिससे करके जिससे इंजन सुखा रहे थे, वही सेम चीज़ से वो पूरी गाड़ी अंदर की वैक्यूम क्लीनर नहीं लगाते हो, वो ऐसे ही सिर्फ सारी गाड़ी को ऐसे ही उड़ा देते हैं सब चीज़ और सब बाहर कर देते हैं। लेकिन ये चीज़ मुझे इनकी सही लगी कि वैक्यूम क्लीनर से साफ़ कर रहे हैं तो वो चीज़ धूल ना उड़ती नहीं है कहीं पर, सारी अंदर एक केबिन में इकट्ठी हो जाती है। तो ये जो भाप है ये मेरी गाड़ी में जमती है और हर गाड़ी में जमती है, यहाँ पर मैंने पूछा भी था वो बता रहे थे। तो यहाँ का जो वॉशरूम है वो ठीक है, हैंड ड्रायर भी है और हैंड वॉश भी है, वॉश बेसिन भी ठीक है, टॉयलेट तो नहीं दिखा सकता, टॉयलेट सीट भी काफ़ी ठीक है। तो ये देखो भाई ये गाड़ी भी डिलीवरी के लिए खड़ी हुई है, ये पेट्रोल का टाइटेनियम है जिसमें स्पोर्ट्स वाले अलॉय हैं।
अब भाई हमारी गाड़ी के टायर उतर चुके हैं, आगे वाले टायर पीछे लग जाएंगे और पीछे वाले टायर आगे लग जाएंगे। तो भैया फिलहाल बैलेंसिंग कर रहे हैं, ये बैलेंसिंग देख लो किस तरीके से करते हैं। मैं भी थोड़ा देखता हूँ क्या चक्कर है इनका, बैलेंस वगैरह मतलब वेट वगैरह किस तरीके से ऐड करते हैं ये। तो ये ढक जाता है ऊपर से, नीचे टायर घूमता रहता है और जहाँ पे भी कंप्यूटर को लगता है कि यहाँ पे वेट कम है तो वो वहीं पे रोक देता है और वेट बता देता है कि कितना वेट लगाना है, 5 ग्राम 10 ग्राम। अब ये कुछ छोटा सा मेटल का पार्ट सा उठाएंगे, वो पता नहीं किसका, एल्यूमिनियम का होता है, और वो ठोकना शुरू कर देंगे मेरे हिसाब से तो। हाँ वही करेंगे। अब वेट ऐड कर दिया उन्होंने, अब दोबारा घुमा के देखेंगे कि अब टायर में हर तरफ वेट बराबर हो गया कि नहीं हो गया। अगर फिर भी कम लगेगा तो फिर दूसरी जगह पे वेट ऐड कर देंगे, यही प्रोसेस होता है इनका। तो भाई सर्विस हो गई है अपनी गाड़ी की, अब अंधेरा ही हो चुका है ऑलमोस्ट, बस होने वाला है तो शोरूम जो है सर्विस सेंटर बंद ही होने वाला था ये समझ लो आप। बाकी अब जो मेरी प्रॉब्लम थी अब मैं वो बताता हूँ आपको, जितना मैं दिखा पाया उतना दिखा दिया था मैंने। अब ऐसा नहीं कर सकता ना, हर वक्त अगर मैं मैकेनिक से कुछ बात करूँ तो उसके मुंह पे कैमरा रख के भाई तुम बोलो अब कैमरे पे बोलो, ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन मैंने अपने मैकेनिक से भी बात करी थी, ठीक है ना, और एडवाइजर से तो मेरी थोड़ी बहुत पहले भी जान पहचान सी हो गई थी तो वो वाला हिसाब है। बाकी अगर मैं थोड़ा सा इलैबोरेट करूँ इन सब चीज़ों को, तो पहले सर्विस के बारे में बात कर लेता हूँ, फिर बात करूँगा कि जो आपके डाउट्स थे वो मैंने पूछे हैं उनके क्या क्या आंसर मिला है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने एक तो प्रॉब्लम थी, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एक तो छोटी छोटी आवाजें आ रही थी। अब आवाजों का ये हो गया भाई कि आज डेंटर वेंटर जो गेट्स को खोलता वगैरह ये सब चीज करता है, डेंटर के काम होते हैं, तो आज वो एबसेंट था उनके यहाँ पे। फिर मेरे मन में थोड़ा डाउट भी आया, मैंने कहा ऐसा तो नहीं है भगा दिया आपने निकाल ही दिया, बोले नहीं ऐसा नहीं है, उसको अभी फायर वगैरह नहीं किया है, बस वो आज आया नहीं है तो इस वजह से वो वाली आवाज रह गई है। तो वो मैं कभी नेक्स्ट टाइम जाऊंगा सर्विस सेंटर पर किसी काम से आसपास जाऊंगा तो वो मैं करवा लूंगा। उसमें क्या होगा, उन्होंने सॉल्यूशन बताया मुझे कि खोल के हिंजेस उसके और उसमें ग्रीसिंग हो जाएगी या ऑयलिंग जो भी है वो चीज हो जाएगी तो ये आवाज आनी बंद हो जाएगी, छोटी छोटी आ रही है चारों तरफ से थोड़ा। तो एक तो ये हो गया। अब एक प्रॉब्लम ये थी मुझे कि वही लेफ्ट की तरफ जा रही थी गाड़ी, अब वो लेफ्ट की तरफ इसलिए जा रही थी, मैंने आज उससे ठीक से पूछा कि जो मेरा स्टेयरिंग था ना वो एक तरफ को ज्यादा टिल्टेड था, तो अगर मैं उसे बीच में करता था तो वो बीच में नहीं रहता था, वो हल्का सा लेफ्ट की तरफ रहता था, तो स्टेयरिंग थोड़ा राइट की तरफ हो रखा था, वो उन्होंने बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में कर दिया है। अब गाड़ी इतना नहीं जा रही, वो हल्का बहुत, तो सड़क थोड़ा सा इस तरीके से पेव्ड होती है तो उस वजह से थोड़ा बहुत चली जाती है, लेकिन एकदम से नहीं जा रही, अब काफी ज्यादा सुधार है। अब इसमें मैंने एक चीज और पूछी, मैंने कहा भैया ऐसा भी तो हो सकता है कि अभी थोड़ी बहुत टेस्टिंग करते हैं जैसे सर्विस होने के बाद में, कि थोड़ी देर बाद मुझे पता चले कि भाई इसमें तो अभी ठीक नहीं हुआ है। मैंने कहा अलाइनमेंट की कुछ गारंटी है, अलाइनमेंट व्हील बैलेंसिंग की? बोले कि सर आप टेंशन मत लो, आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है आप कभी भी करवा लेना आके, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करवाऊंगा नेक्स्ट सर्विस तक। तो वो थोड़े एडवाइजर अच्छे हैं, मेरे लिए अच्छे हैं, सबके लिए अच्छे हैं ये नहीं कह सकता, लेकिन मेरे लिए तो अच्छे हैं, ठीक है ना। और ऐसा भी नहीं है, मैंने उनसे यह कह रखा है कि भाई मैं यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह डाल देता हूँ तो इस वजह से वो मेरे साथ अच्छा बिहेव कर रहे हैं, ऐसा मैंने उनसे बोला नहीं था, उससे पहले भी वो अच्छा बिहेव कर रहे थे। और साफ सफाई तो ठीक ठाक कर ही दी थी, वो चीज थोड़ी नहीं लगी मुझे जो ये स्प्रे से करके वो करते हैं ना पॉलिश वगैरह, वो चीज थोड़ी नहीं लगी थी मुझे। बाकी तो सर्विस ठीक थी ओवरऑल, अगर मैं 10 में से इन्हें स्कोर दूं श्री पवन फोर्ड को तो मैं 9 स्कोर दे सकता हूं, है ना, ठीक है। 10 तो नहीं दे सकता क्योंकि एकदम से इतना भी एक्सीलेंट नहीं था कि अरे भाई जो चीज मैंने सोची नहीं थी वो भी चीज कर दी, लेकिन नहीं 9.9 में दे सकता हूं। तो ये था मेरा आज का 10,000 किलोमीटर वाली और 1 साल वाली सर्विस का। वैसे मेरी गाड़ी को अभी 1 साल हुए नहीं है लेकिन 10,000 किलोमीटर पूरे हो गए थे तो इसलिए मैंने सर्विस कराई, जो जो चेंज हुआ वो मैंने बता दिया और किस तरीके से हुआ अंदर मैंने वो भी बता दिया। अब जो डाउट्स वाली बात थी वो मैं अगली वीडियो में एक और वीडियो बना देता हूं अभी उसको, क्योंकि एक ही साथ में सारी चीज बता दूंगा तो ये वीडियो 15-20 मिनट की तो हो जाएगी और मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो उतनी बड़ी हो जाए। तो जिस बंदे को ये वाली वीडियो देखनी है वो ये वाली देख सकता है और वो वाली देखनी है वो वाली देख सकता है। तो इस वाली वीडियो में इतना ही था, उस वीडियो को आप नेक्स्ट डे जाकर देख सकते हैं, मिल जाएगी आपको मेरे चैनल पर। तो अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड पीस out.